सो गाइज फाइनली वन प्लस का फ्लेक्सी वन प्लस 13 स्मार्टफोन चाइनीज मार्केट के अंदर 31 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। और स्मार्टफोन में गाइज इस बार आपको लिटरली काफी बड़े अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। और ये स्मार्टफोन गाइज डेफिनेटली वन प्लस 12 स्मार्टफोन को काफी बढ़िया तरीके से रिप्लेस करेगा। और स्मार्टफोन की प्राइसिंग भी आपको काफी सही आई गेस इंडिया पे देखने को मिल जाएगी। और आज के इस वीडियो में वन प्लस 13 स्मार्टफोन के बारे में कन्फर्म डिटेल्स पर बात करने वाले हैं और स्मार्टफोन में क्या कुछ कन्फर्म फीचर्स आने वाले हैं, इसकी इंडिया पे आपको प्राइस क्या देखने को मिलेगी और ये स्मार्टफोन इंडिया में कब तक लॉन्च होगा इस पर बात करेंगे। बट वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना एंड ऑफ कोर्स चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन पर ही बात करते हैं, बिकॉज वन प्लस 13 स्मार्टफोन का इस बार डिजाइन काफी कूल देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन में आपको सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल ही देखने को मिलेगा, लेकिन इसके आपको 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और ये स्मार्टफोन में आपको लेदर बैक मिलने वाली है, लेकिन इसका जो ब्लैक वेरियंट आएगा वहां पर आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगी। और स्मार्टफोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोडक्शन दी गई है और यहां पर आपको मेटल फ्रेम भी देखने को मिल जाएगा। तो बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड रहने वाली है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह स्मार्टफोन में आपको IP69 रेटिंग भी देखने को मिल जाएगी, तो यह फुल्ली वाटर प्रूफ भी रहेगा। और स्मार्टफोन में फ्रेंड्स आपको ऑलमोस्ट 200 ग्राम वेट देखने को मिलने वाला है। स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो गाइस वन प्लस 13 स्मार्टफोन में यहां पर काफी बड़ा अपग्रेड किया गया है। स्मार्टफोन में आपको 6.82 इंच का 2K रेजोल्यूशन वाला BOE का लेटेस्ट X2 OLED पैनल देखने को मिल जाएगा। और ये गाइस काफी एडवांस डिस्प्ले, यहां पर आपको 10 बिट कलर्स HDR 10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, Dolby Vision का सपोर्ट भी रहने वाला है। और यहां पर गाइस आपको डेडिकेटेड डिस्प्ले चिप भी देखने को मिल जाएगी। तो डिस्प्ले क्वालिटी डेफिनेटली स्मार्टफोन में आपको काफी इंप्रेसिव देखने को मिलेगी। कर्व स्क्रीन नहीं होगी, यहां पर आपको कोड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। और स्मार्टफोन में 80 LTPO पैनल दिया गया है, जहां पर आपको 120 हर्ट्ज की हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन में गाइज आपको अप टू 5000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी मिलने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर इस बार अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी ऐड कर दिया गया है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो गाइज यहां पर भी काफी अच्छा खासा अपग्रेड किया गया है। स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 देखने को मिलेगा। और यह चिपसेट 4nm फैब्रिकेशन पर ही आएगा, लेकिन यहां पर एफिशिएंसी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। और यह स्मार्टफोन के साथ आपको 3.1 मिलियन के अंततु स्कोर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफी बड़े स्कोर्स है। यहां पर आपको परफॉर्मेंस क्रेजी देखने को मिल जाएगी एंड आई गेस BGMI के अंदर आपको 120fps ग्राफिक सेटिंग भी देखने को मिलेगी। बाकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर आपको LPDDR4X RAM UFS 4.0 स्टोरेज भी मिलने वाली है, तो रीड राइट स्पीड भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और यह स्मार्टफोन आउट द बॉक्स एंड्रॉइड 15 पर आएगा और इसमें आपको ऑक्सीजन OS 15 का सपोर्ट भी मिलने वाला है। बाकी फ्रेंड्स वन प्लस 13 स्मार्टफोन के साथ आपको 5 ईयर्स के मेजर OS अपडेट्स का सपोर्ट भी दिया जाएगा, तो यह स्मार्टफोन डेफिनेटली सॉफ्टवेयर वाइज काफी बढ़िया रहेगा। कैमरा के बारे में बात करें तो वन प्लस 13 स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT 808 OIS मेन कैमरा दिया गया है। और यहां पर आपको कैमरा क्वालिटी सुपर्ब देखने को मिल जाएगी, बिकॉज ये फ्लेक्सिप सेंसर है, कैमरा क्वालिटी के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और यहां पर गाइस 50 मेगापिक्सल का ही आपको पेरिस्कोपिक टेलीफोटो लेंस मिलेगा, जहां पर सोनी का LYT 600 सेंसर यूज किया गया है। और इसमें भी आपको कैमरा क्वालिटी बढ़िया देखने को मिल जाएगी और 3x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट भी दिया जाएगा। बाकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्मार्टफोन में 120x पेरिस्कोप जूम का सपोर्ट मिलेगा। बाकी यहां पर 50 मेगापिक्सल का ही सैमसंग जेन 5 अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया है और यहां पर आपको अल्ट्रावाइड शॉट्स भी अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। बाकी स्मार्टफोन में आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी रियर पे देखने को मिलेगा। और वन प्लस 13 स्मार्टफोन के फ्रंट साइड पे 32 मेगापिक्सल का सेंटर पंचोल सेल्फी कैमरा आने वाला है और यहां पर आपको 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो गाइस वन प्लस 13 स्मार्टफोन में आपको 6400mAh की ह्यूज बैटरी देखने को मिल जाएगी। काफी बड़ा नंबर है, आई नो यहां पर आपको वेट भी ज्यादा देखने को मिल जाता है, लेकिन फ्रेंड्स बढ़िया बात यह है कि स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए आपको 100 वोल्ट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा, तो बैटरी बैकअप यहां पर अच्छा खासा रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स चार्जिंग स्पीड भी आपको उतनी ही बेटर देखने को मिलेगी, बिकॉज स्मार्टफोन को आप अराउंड 30 मिनट्स में फुल चार्ज कर पाओगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्मार्टफोन में आपको इस बार USB Type-C 3.2 जनरेशन का देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली काफी बढ़िया बात है। और स्मार्टफोन में आपको 50 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल गाइज वन प्लस 13 स्मार्टफोन इस बार काफी बड़े अपग्रेड्स के साथ आने वाला है। और स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको चाइना पे आई गेस 65,000 to 70,000 रुपीज तक देखने को मिलेगा, लेकिन इंडियन मार्केट में स्मार्टफोन की प्राइस आपको 70,000 से लेकर 75,000 रुपीज तक देखने को मिल सकती है। और इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग डेफिनेटली यहां पर फीचर्स भी जस्टिफाइड देखने को मिल जाते हैं। वैसे गाइज लॉन्चिंग के बारे में बात करें तो वन प्लस 13 स्मार्टफोन चाइनीज मार्केट में 31 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है,
ऑफिशियली टीज हो गया है, लेकिन फ्रेंड्स इंडिया पे ये स्मार्टफोन आपको नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेगा। 2025 में ये स्मार्टफोन आपको जनवरी मंथ में देखने को मिलेगा, जो कि आई गेस जनवरी मंथ के एंड तक लॉन्च होने वाला है। सो फिलहाल दोस्तों ये कुछ कंफर्म डिटेल्स थी जो कि OnePlus 13 स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगी। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना।